देश में बेखौफ बदमाशों के खिलाफ एनकाउंटर का दौर जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश घायल हो गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि बदमाशों की गोली से एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश बाइक लूटकर भाग रहा था। पकड़े गए बदमाश की पहचान गुल्फराज उर्फ अतुल के रूप में हुई। गुल्फराज दिल्ली का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। इस पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हालांकि पुलिस बदमाश से और पूछताछ कर रही है और फरार बदमाश की तलाश में जुटी है। सर, ये पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? ये लगभग 5:15 की बात है, आज 5:15 शाम की बात है। 2 बदमाश एक मोटरसाइकिल छीन कर भागे थे, पैशन प्रो की मोटरसाइकिल। उसने 100 नंबर पे कॉल की तो पुलिस ने चेकिंग शुरू की, तो यहाँ पे जो टीला मोड़ से सेवाधाम चौकी का रास्ता है उसमें पुलिस ने इसका पीछा किया तो ये मैदान के नीचे आ गया। तो पुलिस ने फायरिंग करनी शुरू कर दी, तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, इसमें घायल हो गए, उसको अस्पताल पहुँचाया गया। हमारे एक सब इंस्पेक्टर अजय पाल, उनको भी गोली लगी, उनको भी अस्पताल पहुँचाया गया। उधर बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहे 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। इनामी बदमाश के कब्जे से एक पिस्टल, बाइक, कई कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद घायल इनामी बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां घायल बदमाश का इलाज चल रहा है। पुलिस की माने तो इनामी बदमाश पर आधा दर्जन संगीन मामले दर्ज हैं, जिसकी पुलिस को काफी समय से तलाश थी। आज जो है हमको लोगों को सूचना मिली थी, एक वांछित हमारे यहाँ 2014 से चल रहा था और 50,000 का इनामिया था और ये छतरी साइड से आ रहा था। ये जो बांधवा गांव पड़ता है, इस गांव में उसका आना जाना था। पहले भी इसने कई वारदातें की थी और अभी भी वारदात की फिराक में थे, ऐसी हम लोगों को सूचना मिल रही थी। इसलिए हमने यहाँ चेकिंग लगाई थी। चेकिंग के दौरान वो बाइक से आया, बाइक उसने देखा पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई, फिसल गया। फिसलने में अपने बचाव में जो है उसने 2 राउंड फायर किया। पुलिस कोई हताहत नहीं हुआ पुलिस का, लेकिन पुलिस के किनारे से गोली निकल गई। पुलिस ने अपनी जवाबी कार्रवाई में उस पर फायर किया, जिससे उसके दाहिने पैर में गोली लगी। कानपुर में पुलिस और गन डांसरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक गन डांसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा गन डांसर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल भी हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसमें ये गन डांसर अपने दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर डांस करते दिखाई पड़ रहे थे। आज सुबह रोहाइनिक से दिल बजा सीओडी से सुदाकगंज की तरफ जाने वाली सड़क पर नियमित गश्त पे थे, तभी स्कूटी सवार दो व्यक्ति आए जो पुलिस को देखते ही भागने लगे। पुलिस पार्टी को कुछ संदिग्ध लगा, पुलिस ने उनका पीछा किया। इसी क्रम में दोनों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा गोली चलाई, इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, दूसरा भागने में सफल हुआ। घायल व्यक्ति अल्लाह रखा उर्फ जो स्वरूप नगर का हिस्ट्री सीटर, इसके दर्जनों मुकदमे दर्ज है। वहीं पूछताछ में पुलिस को पता चला कि पकड़ा गया आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश है और गन डांस करना उसका पुराना शौक है। बदमाश पर 9 आपराधिक मुकदमे भी चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस दूसरे गन डांसर की तलाश कर रही है। गाजियाबाद से आकाश गर्ग, बुलंदशहर से इकबाल सैफी और कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।